सीबीएसई के स्कोर या फिर अदर बोर्ड्स के, 12th के बोर्ड्स के स्कोर अपडेट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या वो 7 सब्जेक्ट फिल करना मैंडेटरी है या हम 7 से कम भी कर सकते हैं? नहीं, अभी आपको प्रोफेसर गांधी ने पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उसमें भी आई थिंक बच्चों ने देखा होगा। मैंडेटरी नहीं है, अप टू 7 आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी 5 ही, 5 डालना जरूरी है। एक्चुअली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जरूर डालने हैं जो आपने सीयूईटी में दिए हैं, सब्जेक्ट मैपिंग में उनका डालना बहुत जरूरी है, वो जरूर डालिए जो। और सीयूईटी में 6 सब्जेक्ट्स अलाउड थे, तो अगर आपके पास 6 है एक्सक्लूडिंग जनरल टेस्ट, आप उन 6 की 6 की मैपिंग कर लीजिए, बिकॉज वही जो मैप करेंगे फिर हमारे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में हम उसको यूज करेंगे। तो अगर आप 5 डालेंगे हम 5 से मैपिंग करेंगे, अगर आप 4 डालेंगे हम 4 से करेंगे, अगर आप 2 डालेंगे तो आप सभी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सही मैपिंग करिए और सही से इसको करिए। कुछ स्टूडेंट्स ने फेज 1 में अपनी डीजी लॉकर की मार्कशीट या फिर जो पोर्टल पे मार्कशीट आती है वो अपलोड की थी। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम करेक्शन विंडो में या फेज 2 में क्या अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें, और अगर हम नहीं कर पाए, हमने पहले ही सबमिट कर दिया है, तो अब हम क्या करें? क्या हमारी वो डीजी लॉकर वाली मार्कशीट और सीबीएसई का जो स्क्रीनशॉट है, क्या उसी से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट, आप चेंज कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। और एलोकेशन के बाद अगर कॉलेज क्वेरी रेज करता है तो आप उस समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें भेजिए। इसी ये करते तरह हैं तो अच्छा है, या इन एनी अभी केस, करते हैं। या इन हाँ एनी अच्छा केस है। हम आपका डिजी लॉकर से सीबीएसई की तो मार्कशीट हमारे पास इन एनी केस डिजी लॉकर से आ ही जाती है, तो वो मार्कशीट तो हमारे पास आ ही जाएगी। अगर आप कर सकते तो आप चेंज कर दीजिए। ओके, अगर किसी से बाय मिस्टेक 12th की जगह 10th की मार्कशीट आ गई है, 10th की जगह 12th की मार्कशीट आ गई है, और वो अपने कनेक्शन विंडो का चांस भी एक बार कर चुके हैं अप्लाई, अब उनके पास दोबारा चांस नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म? देखिए वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप करेक्शन विंडो में जा रहे हैं तो तब तो ध्यान रखिए, एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा गलती कर रहे हैं ऐसे मत करिए। आप अपने पास पूरे सर्टिफिकेट्स को टैग करके रखिए ताकि आप गलत अपलोड ना करें, पर फिर भी हमारे कॉलेजेस और टीचर्स जो हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं, कंसिडरेट या ऑल्सो, दे वेरी वेरी कंसिडरेट कंसिडरेट। हैं। वो अगर आपने 10 12th में डाल दिया होगा वो एक बार चेक कर लेंगे। और हम एक काम और भी करते हैं, रेज क्वेरी का, तो जब आपका एलोकेशन आता है तो हम कॉलेजेस और आपके बीच में एक थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट भी ओपन रखते हैं रेज क्वेरी का, कि तब भी वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं, अगर उन्हें डाउट होगा तो वो तब भी आपसे सर्टिफिकेट। एंड बाकी अगर आप लोगों को प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होती है तो ड्यूबडी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन को यूज करके आप खुद से प्रेफरेंस सीट बना सकते हैं, जहां पे जिस कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी रैंक वाइज, जिसको आप अपने प्रेफरेंस सीट में खुद से मिक्स करके भर सकते हैं अगर आपको उतना अनुभव है, उतनी नॉलेज है तो। दूसरा ऑप्शन है पर्सनल काउंसलिंग का, जिसमें 1-on-1 आप बैठे हैं गूगल मीट पे, इधर हमारे जो टीम है वो बैठी होगी, वो आपके साथ कनेक्ट करेगी। आपको फ्यूचर में यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, एमबीए करना है, मास्टर्स करना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, घर वाले क्या बोलते हैं, कौन से कोर्सेज को कहाँ पे रखना चाहिए, वो सारी टेंशन हमारी टीम आप लोगों के लिए जो है हैंडल कर रही होगी। आप अपने इंटरेस्ट बताएंगे, उस वे में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करने में आपकी जो है टीम हेल्प कर रही होगी, तो वो पर्सनल काउंसलिंग का ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शंस आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलने वाले हैं, तो ऐप को डाउनलोड करो, जा करके यूज करो। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग बोलेंगे काउंसलिंग सेशंस काउंसलिंग सेशंस, वो एक ग्रुप सेशन लेंगे जिसमें 200-300 बच्चों को भरेंगे, खत्म। फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे आपसे। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम 1-on-1 बच्चे को जो है हेल्प प्रोवाइड करें। तो अगर आप देख लो ग्रुप वाला चाहिए या 1-on-1 चाहिए, प्राइस दोनों के, मतलब हमारा पर्सनल काउंसलिंग का प्राइस कम मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रुप काउंसलिंग। चेक कर लेना, आप कंपेयर कर लेना, बी द स्मार्ट बायर। नोट की मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या फिर वो जो बोल रहे हैं वो सही है।